वेलकम दोस्तों, MPSI 2017 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी समय से 2-3 दिन लगभग हो चुके हैं, मैंने आपसे आपके मार्क्स पूछे थे जिससे कि मैं कट ऑफ निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक कि मैंने एनालाइज़ किया है कि जैसे आपने मुझको मार्क्स बताए थे, किसी के कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, बट मुझे ये जान के हैरानी हुई कि किसी के 160+ जो थे बहुत कम ही हैं, और 17 के आसपास 2 से 3 स्टूडेंट मुझको मिले हुए हैं। इसका अर्थ फ्रेंड्स ये है कि ज़्यादा कट ऑफ जो है 150 के आसपास ही रहेगा। अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, देखिए ये संभावित कट ऑफ है, हम लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, रियल में क्या आएगा वो व्यापम जानता है, जो कि आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको कट ऑफ बताया, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, 150 है आपका, जैसा मैंने संभावित कट ऑफ निकाला है। अगर आपके नियर अराउंड अगर आपका 147 भी है ना, तो प्लीज़ आप पैनिक मत होइए, प्लीज़ आप लोग डरिए मत, क्योंकि ये तो मैंने अंदाज लगाया है ना। ज़रूरी नहीं इससे भी कम हो जाए, 145 भी हो जाए, बट क्या है कि थोड़ा अंदाज़ा लगाया, तो उसके हिसाब से मैंने आप कट ऑफ बताया कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं, पेपर कैसा था, पेपर के लेवल के हिसाब से ही कट ऑफ निकाली जाती है। कि पेपर अगर हार्ड है तो थोड़ा इजी रहेगा, और अगर पेपर इजी है तो थोड़ा वो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे फिर से बोल दिया फ्रेंड्स, अगर आप मैंने 150 बताया, तो अगर आपके 147 145 के अराउंड हैं, तो आप प्लीज़ आप लोग निराश ना हों, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, बट ज़्यादा भी। ठीक है, आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, कैटेगरी की वाइज मैंने आपको बताया है, जैसे ये अनरिजर्व आपका है जनरल कैटेगरी से, तो मेल का फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया है, और जो भी मैंने आपके मार्क्स देखे उसके हिसाब से, और भी अदर साइड से मैंने भी देखा कि कैसे क्या बता रहे थे, उसके बाद से मैंने पेपर का लेवल देख के, क्वेश्चंस देख के, तो मैंने बहुत ही थोड़ा समय लिया इसको। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे कि सर जल्दी से बताइए कट ऑफ, तो मैंने निकाल के यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए जनरल कैटेगरी से अगर मेल की बात करें फ्रेंड्स, तो 153 से लेके 162 के आसपास रह सकती है। वही फ्रेंड्स मैंने आपको बोला, अगर आपके यहाँ पर 150 या 149 हो, तो आप प्लीज़ टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और फीमेल का मैंने निकाला फ्रेंड्स 144 एंड 150 के बीच में। अगर फ्रेंड्स इसके बीच में आपके हैं, तो आप बिल्कुल ही टेंशन ना लीजिए, आपको ज़रूर कॉल की जाएगी। ठीक है, फिजिकल के लिए। ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स, तो 150 से लेके 160 के बीच में मेल की बात कर रहा हूँ मैं, और फीमेल की बात करें तो 140 से लेके 146 के बीच में। ठीक है, आइए बात करें फ्रेंड एससी एंड एसटी की। देखिए एससी की बात करें फ्रेंड्स, तो 145 से लेके 150 के बीच में जिसके मार्क्स हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपको जरूर कॉल बुलाया जाएगा। एक दो मार्क्स कम ज़्यादा भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बट कम भी हैं तो आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 130 से लेके आपका जो है 137 तक। ठीक है, और एससी की बात करें तो 130 मार्क्स से जिसके 135 के मार्क्स बीच में है, उनका कॉल जरूर आएगा, और 122 और 130 के बीच में फीमेल के लिए। तो इस प्रकार से कट ऑफ था फ्रेंड्स, फिर से आप लोग एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक पे, ये तो आपका था कट ऑफ। उसके बाद फ्रेंड्स फिजिकल की बात करें, तो देखिए फ्रेंड्स फिजिकल जो आपका है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपके लगभग इतने आसपास मार्क्स हैं। उसके बाद अभी आपका कांस्टेबल भी है जो कि हो चुका है, उसकी भी आपको तैयारी करें फिजिकल, तो क्यों ना आपके अगर एक में कम है एक में ज़्यादा मार्क्स हैं, तो देखो फिजिकल तो तैयारी आपको करनी करनी है, तो आप आज से ही रेडी हो जाइए। ठीक है, और फ्रेंड्स पटवारी वाला बात रहा पटवारी का, तो देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने एक वीडियो इसके क्वेश्चन लिखे डाले थे, मैं और जल्दी कोशिश करूंगा, बट फ्रेंड्स उसको पेपर मिलने में थोड़ा परेशानी हो रही है। अगर आपके पास क्वेश्चंस पेपर हैं और उसके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 8006422333, इस नंबर पे आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या जो आपकी प्रॉब्लम हो मैथ्स में आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं रीजनिंग में, जिससे कि मैं उसको भी वहाँ पे अपलोड करता चलूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं मैं अपलोड करूँगा पटवारी के लिए, अलग से वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने प्ले लिस्ट में पटवारी
पटवारी ही मैंने उसमें एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।